What's up and welcome back to my channel. यार हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल लुकिंग ज्वेलरी तो पहनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम ऐसी डिफरेंट यूनिक ज्वेलरी ट्राई करने वाले हैं जो कि या तो तुम्हारी फुल बॉडी के लिए या फिर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी है, जहाँ पे हम ज्यादा ज्वेलरी पहनते नहीं है, वैसे सोचते भी नहीं कि अच्छा यहाँ पे भी ज्वेलरी पहन सकते हैं क्या. सो आई गॉट सम रियली इंटरेस्टिंग ऐसे अतरंगी सी ज्वेलरी विच आई फाउंड ऑन द इंटरनेट. एक एक करके ट्राई करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई हैव इज दिस ज्वेलरी. कितनी मस्त लग रही है, इसमें से चेन्स है एंड बेल्ट भी दे रखी है. Can you guess किसे कहाँ पहन सकते हैं? Maybe here. It's a waist jewelry. देखते हैं किसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं. तो अभी मेरे पास ना बिल्कुल ऐसे प्लेन लुकिंग ब्लैक सा सेट है, तो मेरे को लग रहा है बिकॉज इसकी ब्लैक बेल्ट है ना, तो इस ब्लैक सेट पे आराम से चला जाएगा, नहीं कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगी. बेस्ट पार्ट ये है, पीछे ना ऐसे बेल्ट दे रखी है जिसे तुम आराम से बंद कर सकते हो होल्स. तो ये बेल्ट पूरी एडजस्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है. बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है. इनफैक्ट जो यहाँ पे ऐसे कटआउट दे रखा है ना, उसके ऊपर भी ये ज्वेलरी कितनी मस्त लग रही है. ऐसा लग रहा है कि ये चीज इसके साथ ही आई है. ओके, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मेरे को लग रहा था मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि 850 रुपये मैंने खर्च करे हैं इस वाली बेल्ट पे. मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल से प्लेन लुकिंग ब्लैक आउटफिट में ऐसे चार चांद से आ गए हैं, कुछ अलग से लग रहा है. एंड इस बार मैंने इसमें से गले में ज्वेलरी नहीं पहनी है, जो कि यूजली मैं सारे आउटफिट्स में करती हूँ. जस्ट मैंने वेस्ट में कुछ अलग सी ऐसे बॉडी चेन पहनी है, एकदम से लुक बदल गई है, जान आ गई है आउटफिट में. ये बहुत ही ऐसे डिजाइनर लुकिंग लग रहा है सिर्फ 850 में. एंड ये चीज मैं दूसरे अपने प्लेन लुकिंग आउटफिट्स के साथ भी कर सकती हूँ, तो पैसे तो वसूल हो ही जाएंगे. मूविंग ऑन, मेरे पास है इतनी बड़ी ज्वेलरी. ये वैसे गले की ही नेकलेस है, लेकिन ये एज अ फुल बॉडी ज्वेलरी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को भी कवर कर रही है. थैंक्स बड्डी. तो ये ऊपर से तो एज अ नेकलेस ही बंद होगी, इनफैक्ट ये नीचे से भी एज अ नेकलेस ही बंद होगी. बहुत टड्डी लग रही है ये चेन कमर पर. हमारी मम्मी 9 लखा हार पहनती थी, हम 9 लखा चेने पहन रहे हैं यहाँ पे. ओह माय गॉड, इसको तुम ऐसे फैला सकते हो इवन विद द बेसिक आउटफिट लाइक प्लेन लुकिंग रेड कलर का मेरा सेट पहन रखा है, उसमें भी कितना परफेक्ट लग रहा है. मेरे को लग रहा है कि ऐसी बॉडी चेन्स के साथ ना तुम डिफरेंट कलर्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें ज्यादा डिजाइन वगैरह की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैंने ऐसे बेसिक रेड पहना हुआ है, तुम ब्लैक के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, व्हाइट भी, इवन विद अ बेसिक व्हाइट टॉप भी अच्छा लगेगा. ये ऐसा लग रहा है कि बिना इस चेन के तो ये कितना प्लेन बोरिंग डल सा नॉर्मल आउटफिट लग रहा था. उसमें मुझे 10 एक्सेसराइजेशन करनी पड़ती तब जाके वो कुछ बन पाता. वैसे ये वाली बॉडी चेन मेरे को 1300 रुपीज की पड़ी है, बट यू नो व्हाट, इसकी क्वालिटी काफी सही लग रही है. ये मेरे को काफी हैवी भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हल्की चीज थी उन्होंने मेरे को पकड़ा दी है. पीछे से ना ऐसे वेस्ट चेन वाला भी काम कर रहा है, तो ऐसे मेरे को काफी चीजें मिल रही है. एंड पीपल आर डेफिनेटली गोना आस्क मी कि कहाँ से लिया है. तो जब भी हम ऐसे साड़ीज पहनते हैं तो हमारा मन करता है कि हम ऐसे मस्त मस्त से नेकलेसेस पहने, लेकिन ये हमारे गले का हार नहीं है. कैन यू इमेजिन कि हमें कहाँ पहनना है? दिस इज फॉर योर ब्लाउज. एंड ये ब्लाउज में हमें यहाँ या फिर आगे नहीं पहनना है, ये पीछे ब्लाउज पे लगाने के लिए. तो हमारा बैक वाला नेकलेस रेडी हो गया, कुछ इस तरीके से लग रहा है. मैंने दोनों साइड ना ब्लाउजेस पे ऐसे पिन लगाए हैं, मतलब वो ऑलरेडी अटैच होते हैं इस वाले नेकलेस में, तो वो बस हमें अटैच करना है यहाँ पे, एंड दैट इज इट. तो जो ये वाला बैक नेकलेस है या फिर ब्लाउज नेकलेस है, दिस इज समथिंग जो कि तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली ये तुम्हारे पीछे, लेकिन जो भी तुम पार्टी इवेंट शादी वगैरह अटेंड कर रहे होगे, पीपल कैन रियली अप्रिशिएट इट. एंड ये मेरे को 674 रुपीज का पड़ा. भाई तो मेरे को तो काफी सही चीज लग रही है, क्योंकि ये सिर्फ इस ब्लाउज पे नहीं, मेरे और भी ब्लाउजेस पे काम आ जाएगी. इनफैक्ट मेरे को लग रहा है जो सूट्स का बैक होता है उस पर भी काफी अच्छा चला जाएगा. एंड ये भारी भी नहीं है, काफी हल्का है. एंड या इट्स लुकिंग क्यूट एंड प्रिटी एट द सेम टाइम. पीछे से मूविंग ऑन, मेरे पास इतनी सुंदर लुकिंग राइनस्टोन वाली ज्वेलरी है, बट ऑब्वियसली ये हमारे नेक के लिए तो है नहीं. आज हम अतरंगी कर रहे हैं, सिंपल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. तो ये हमारी वैसे थाई के लिए, ओ माय गॉड. तो ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हें ऐसे स्लिट वाली ड्रेस चाहिए. अब वो स्लिट बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है. एंड इसका मैकेनिज्म देखो, पहले यहाँ पे एक साइड पे ऐसे एडजस्टेबल वाला ब्लैक बैंड दे रखा है जो कि छुप जाएगा, एंड यहाँ पे ऐसे हुक दे रखा है जो कि ऐसे नेकलेसेस में होता है, एंड ये पीछे जाके ऐसे बंध जाएगा. तो जो ये एडजस्टेबल वाला ना, ये चीज सही है, तो लाइक किस भी थाई लेंथ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वन साइज ही आता है. एंड इसको तुम बस ऐसे घुमा सकते हो आराम से, लेकिन एंड ऊपर नीचे कैसे भी पहन सकते हो. मैं तो बिल्कुल ही ऊपर पहन रही हूँ. एंड वेयर डन, इतने आराम से, लाइक मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे. एंड ये मेरा हो गया. अब जो ये वाली चेन है, तुम इसको छुपा भी सकते हो या फिर नहीं भी, मतलब मेरे को तो बोथ वाइज अच्छा ही लग रहा है. वो यार इसे पहनना तो बहुत ही आसान था, लेकिन मतलब मैं खुद से
से थोड़ी सी माइंड ब्लोन हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि जो ये वाली ड्रेस है इन पर्टिकुलर, ये तो मैं ऐसे ही पहन लूंगी, इसमें कोई एक्सेसराइजेशन नहीं भी करूंगी तब भी कितनी हॉट एंड ग्लैमरस है, लेकिन नहीं, आई वाज रॉन्ग। ये स्लिट पे भी ऐसे चार चांद से लग गए, आई नेवर थॉट कि यहाँ पे भी कुछ यू नो हो सकता है, क्योंकि स्लिट ऑलरेडी अटेंशन ग्रैबिंग वाला पार्ट है, बट उसमें और हमने अटेंशन डाल दिया तो मस्त लग रहा है। एंड ये पता है मेरे को सिर्फ 327 रुपीज की पड़ी। एंड अगेन, तुम्हारी कोई भी स्लिट वाली ड्रेस स्कर्ट या फिर कुछ भी है, तुम आराम से इसको यू नो रीयूज कर सकते हो, तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ग्लैमरस लग रही है, वो भी 327 रुपीज़ में भाई साहब। मतलब मेरे को अभी तक सारी बॉडी ज्वेलरी इतनी पसंद आ रही है, एंड ये तो थोड़ी ब्लिंगी भी कर रही है, तो तुम्हारे नाइट आउट एंड पार्टीज में कितनी सुंदर लगने वाली है। माय गॉड, मेरे पास एक और मस्त सी बॉडी चेन है, ऐसे बिल्कुल पर्ल डिटेलिंग एंड गोल्डन कुंदन वाली डिटेलिंग भी दे रखी है। अब तुम्हें लग रहा हो कि सोनिया ये वाला नेकलेस तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी नेक के लिए चेन नहीं निकली है, बट ये नेक के लिए है। बट ऑब्वियसली ये बिल्कुल सिंपल तो होने नहीं वाली है, तो पहले हमें इसे नेक पे पहनना है। तो हम इसे लेफ्ट या राइट कैसे भी पहन सकते हैं, तो पहले तो हमें इसे गले में पहनना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसकी चेन बहुत ज्यादा लंबी है, तो या तो तुम्हें अपने टॉप ड्रेस या फिर ब्लाउज के ऊपर भी पहन सकते हो, तो तुम्हें थोड़ा अंदर यू नो हाइड करना पड़ेगा उसको, वो तुम्हें अपना जुगाड़ खुद करना पड़ेगा। बट ये ओवरऑल क्या मस्त लग रही है, ऐसे शहनशाह वाली वाइब आ रही है, बहुत सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है थोड़ा साइड कॉलर वाली वाइब दे रही है, यूजली लोग नेकलेस फ्रंट में पहनते हैं या फिर वेस्ट में भी पहन लेते हैं, बट ये ऐसे थोड़ा साइड शोल्डर वाली वाइब दे रही है, थोड़ा सा चेस्ट पे भी फॉल हो रहा है। एंड ऐसे मस्त सी ऐसे लेयरिंग आ रही है पर्ल्स की, ओ माय गॉड दिस इज वेरी प्रिटी। एंड ये सब 239 रुपीज का पड़ा है, बहुत ही ज्यादा सही यार, इवन विद अ ब्लैक ड्रेस ये काफी प्रिटी लग रहा है, अदरवाइज तो ये बहुत ही बोरिंग सिंपल प्लेन ही लग रही थी। ओ माय गॉड, बट इट्स ऑलवेज गुड, हमें बेसिक्स में ना हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तुम कितनी ही एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, बहुत ही आराम से चले जाते हैं एंड तुम्हारे पैसे भी वसूल हो जाते हैं, एज यू कैन सी राइट ओवर हियर। तो नेक्स्ट बॉडी चेन फिगर आउट करने में हमें इतना टाइम लगा कि हमने मन्नी के हाथ में इसे एडजस्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा उलझ रही है, इतनी ज्यादा बारीक और इतनी ज्यादा इंट्रिकेट सी है ये। तो ऑब्वियसली एक बेसिक टॉप या फिर व्हाइट टॉप के साथ भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगी। एंड ये कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम डेली वेयर में भी पहन सकते हो, लाइक यू नो अपने वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी, तो ये उसमें भी काफी अच्छी है। लेकिन यस, मैं एक वार्निंग देना चाहूंगी कि इसको सुलझाना बहुत 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 ज्यादा टफ है, क्योंकि अगर तुमने इसे सुलझा भी लिया ना, हल्का सा हिलेगा एंड ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी लेयरिंग दे रखी है एज यू कैन सी। तो ये एक नीचे से बंद हुई है यहाँ से एंड एक पीछे बंद हुआ है लाइक अ नेकलेस। तो या इसमें ऐसे दो एडजस्टमेंट्स दे रखी है, कम ज़्यादा तो तुम कर ही सकते हो क्योंकि ये वन साइज में ही आता है। एंड ये वाला मेरे को 549 रुपीज़ का पड़ा। देखो, दिखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें बहुत ही मशक्कत हुई है, पता है, बिहाइंड द सीन्स। तो चॉइस इज ऑल योर्स, दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बट मेहनत तो करवाई है इसने। तो हमने ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स की एक्सेसरीज मंगवा ली है, लेकिन हमारे पास कुछ और डिफरेंट यूनिक सा भी है। ये तो बहुत ही छोटे छोटे, वो भी दो चीज़ें आई हैं। तो ये बेसिकली हमारे शोल्डर पैड्स है, तो हमारे शोल्डर के लिए ऐसे एक्सेसरीज है। मेरे को लगा था कि इसके अंदर ना कुछ क्लिप या फिर वेलक्रो या फिर सेफ्टी पिन कुछ तो होगा अटैच करने के लिए, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स प्लेन। तो हमें बाद में इसको ना स्टिच करवाना पड़ेगा ये गिर रहा है अभी। वैसे एज अ मैश टॉप के ऊपर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मस्त ऐसे वॉरियर वाली वाइब आ रही है। ऑल्सो बोथ मैन एंड वुमेन कैन यूज इट, ये ऐसे यूनिसेक्स है। एक तो ये मेरे को 1500 रुपए के पड़े हैं, प्लस इनको मेरे को और पैसे देके स्टिच करवाना पड़ेगा, एंड अगर ये मेरे एक आउटफिट पर लग गए तो ऑब्वियसली मैं इसको रीयूज नहीं कर सकती हूँ, तो या इट्स टोटल वेस्ट। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है किसी आउटफिट पर तुम्हें ये लगाने हैं, तो एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है आई गेस, मतलब चॉइस इज ऑल योर्स नाउ। तो हमने ऑलरेडी एक थाई चेन थाई एक्सेसरी ट्राई कर ली है, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी। एंड हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये लाइक फुल थाई पे आने वाली है, एंड इसका पहनने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें ना कोई वैसे अटैचमेंट नहीं दे रखी कि तुम्हें लॉक करना है, तुम्हारे पास ये बैंड है, इसी को ही तुम्हें ऐसे पहनना है। तो इन तीनों को साथ में पहना एंड सी तो निकल गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये चीजें होती ही डेलिकेट है, बट हम इसे डाल सकते हैं दोबारा, आई डोंट नो हाउ। इसको फाइनली हमने फिक्स कर लिया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डेलिकेट है यार, एंड इसको पहनना भी थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब पहनते पहनते भी अगेन मुझे लग रहा है ये टूट सकता है। तो अभी बस ये जैसा दिख रहा है कुछ उस तरीके से दिख रहा है, ये मेरे को 325 रुपीज का पड़ा है। लेकिन जो हमने थाई चेन पहले ट्राई की थी मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी, फर्स्ट उसको पहनना भी काफी ईजी था एंड उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी पहने पहने
भी टूट जाएगा, मैं हल्का सा भी अपना पैर यू नो मोड़ूंगी या फिर चलूंगी, काफी ज्यादा डेलिकेट है, दिखने में सुंदर है बट अगेन 325 तो आई थिंक देखो मेरे को तो बहुत ही मजा आया ऐसे डिफरेंट अतरंगी सी बॉडी ज्वेलरी ट्राई करने में, मतलब मेरे लिए भी पर्सनली काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एंड मेरे को ना सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन ज्वेलरीज को ना हम डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, काफी सारे आउटफिट्स निकल सकते हैं, काफी यूनिक स्टाइलिंग भी हो सकती है। मतलब शाबाशी तो हमें मिलने ही वाली है एंड हमारी तारीफ भी हो जाएगी शायद, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन तुम मुझे बताओ कि आज की वीडियो में से तुम्हारी फेवरेट बॉडी ज्वेलरी कौन सी थी इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बाय।